हिमाचल किसान मंच के प्रदेश मुख्य संयोजक तथा पूर्व विधायक के कौशल ने सरकार से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश के तमाम किसानों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से राहत दिलाई जाए ताकि वे अपना खेती बाड़ी का कार्य सुचारू रूप से कर सकें। इस मुद्दे को लेकर एक जबरदस्त आंदोलन हिमाचल किसान मंच पूरे प्रदेश में करने की तैयारी कर रहा है। ये भी विचार किया जा रहा है कि आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार पर हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने बताया कि इस बारे में अधिवक्ताओं से बात चल रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल किसान मंच पूरे प्रदेश में जो भी संगठन किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं उनसे बातचीत करके और एकजुटता का प्रदर्शन करके एक जबरदस्त आंदोलन इस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में करेगा। कौशल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 70-80% लोग किसान हैं और इनमें से अधिकांश ने खेतीबाड़ी करना केवल इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उनकी फसलों को आवारा पशु बंदर तथा जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। यहां तक कि उनका बीज पर लगाया गया पैसा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। पत्रकार वार्ता में हिमाचल किसान मंच के प्रदेश संयोजक केश पठानिया ने KS पठानिया तथा किसान नेता जिला बिलासपुर के प्रधान लेख राम दीवान एडवोकेट धर्मेंद्र रावत मोतीलाल शर्मा तथा किसान नेता प्रेम लाल भी उपस्थित थे जिन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए क्योंकि ये वर्ग लगातार आर्थिक रूप से पिछड़ता चला जा रहा है। कौशल ने कहा कि इस समय आवारा पशुओं द्वारा लोगों को मारे जाने का सिलसिला भी बहुत अधिक बढ़ चुका है और पिछले एक वर्ष में ही बिलासपुर जिले में 7 लोगों की जान इसी कारण गई है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले के ब्रोहा गांव में एक ऐसे 75 वर्ष के वृद्ध को आवारा बैल ने मौत के घाट उतार दिया जिसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है क्योंकि उसके दोनों बच्चे विकलांग हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस परिवार को कम से कम 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायतों में गौ सदन बनाने के लिए 25-30 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा जारी की गई है लेकिन गौ सदन कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल किसान मंच पूरे प्रदेश में जो भी संगठन किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं उनसे बातचीत करके और एकजुटता का प्रदर्शन करके एक जबरदस्त आंदोलन इस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में करेगा। नैना देवी विधानसभा के विधायक रामलाल ठाकुर ने उपमंडल कार्यालय सोहरघाट में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास के मुद्दे को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया। विधायक रामलाल ठाकुर ने बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए जानकारी में बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इस बार भारी बारिश ने विधानसभा क्षेत्र की नैना देवी में जो तबाही मचाई थी उसको लेकर समीक्षा की जानी थी लेकिन बैठक में कुछ अधिकारी मौजूद नहीं हुए। उसके पीछे क्या कारण रहा होगा ये अपने आप में सवाल पैदा करता है। गौरतलब रहे कि ऐसी बैठकों का आयोजन विधानसभा में हर 6 माह बाद किया जाता है। इसमें क्षेत्र के विधायक को संबंधित क्षेत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके चल रहे विकास कार्यों व समस्याओं पर बैठक में चर्चा व प्रगति रिपोर्ट तलब की जाती है लेकिन शुक्रवार के दिन उपमंडल कार्यालय स्वरगढ़ में रखी गई समीक्षा बैठक के दौरान कुछ अधिकारी मौजूद नहीं हुए हैं जिसके चलते अब ये समीक्षा बैठक 2 हफ्तों के बाद फिर से आयोजित की जाएगी। हालांकि बैठक के दौरान नैना देवी इलाके के कई गांवों के लोग नव विधायक रामलाल ठाकुर के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी हैं। उनके समाधान के लिए विधायक रामलाल ठाकुर ने स्वरगढ़ के SGM व तहसीलदार को मौके पर जाकर समाधान करने के आदेश दिए हैं। बिलासपुर पुलिस की SIU टीम ने नशे के कारोबारियों पर पूरी तरह नकेल कस रखी है। ये टीम हर रोज चिट्टे के कारोबारियों को पकड़कर गिरफ्तार कर रही है जिससे इस धंधे में शामिल काफी लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पूरे जिला भर में ये टीम घूम घूम कर इन कारोबारियों को पकड़ रही है। शुक्रवार सुबह ही इस टीम को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर पुलिस की SIU टीम ने पुलिस थाना सदर के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 पर नाका लगाया हुआ था और हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे। इस दौरान सुबह के करीब 5:30 बजे एक वॉल्वो बस नंबर HR63D 0080 आई जब इस टीम ने
इस वॉल्वो बस को रोककर इसकी चेकिंग की तो बस की सीट नंबर 27 पर बैठे युवक से इस टीम को 29.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इस युवक की पहचान जीवन कुमार पुत्र बिहारी लाल गांव जिला डाकर लोहारा तथा बल जिला मंडी के रूप में हुई है। इस युवक की उम्र 22 साल है। इस युवक ने ये चिट्टा पिट्ठू बैग में छुपा कर रखा था। एसआईयू टीम ने युवक को हिरासत में लेकर एनडीपीएस की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आईपीएच बार्टर गार्ड कर्मचारी संघ ने 12 साल बाद बार्टर गार्ड को सीधे नियमित करने और पंचायतों के बजाय इस वर्ग को आईपीएच विभाग के अधीन करने की मांग की है। आईपीएच बार्ड गार्ड कर्मचारी संघ ने भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज पठाने के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय धर्मशाला में रैली निकालकर जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति व चीफ इंजीनियर आईपीएच के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा और बार्टर गार्डों को जल्द नियमित करने की मांग उठाई। बार्टर गार्ड कर्मचारी संघ ने चीफ इंजीनियर आईपीएच को ज्ञापन सौंप कर मांगों पर कार्यवाही करने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। संघ का कहना है कि 10 दिनों के भीतर बार्टर गार्ड्स की मांगें पूरी ना की गई तो भूख हड़ताल शुरू की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी आईपीएच विभाग और प्रदेश सरकार की होगी। इस अवसर पर प्रदेश भर में के बार्टर गार्ड कर्मचारी उपस्थित रहे। बार्टर गार्ड कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष जीवन कुमार का कहना है कि पूर्व सरकार ने इस वर्ग को आरएनपी रूल के तहत 12 साल बाद नियमित करने का कानून पास किया था, लेकिन इस वर्ग को 13 साल का समय बीतने के बाद भी इस वर्ग के कर्मियों को नियमित नहीं किया गया। यही नहीं, बार बार मांग करने के बावजूद इस वर्ग को पंचायत से निकालकर आईपीएच विभाग के अधीन नहीं किया गया है।